गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब सभी लोगों का, सभी साथियों का। एक बार फिर से पंजाब कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि पंजाब कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन ने इस महामारी के दौरान जो कोविड-19 नाम से एक हमारे महामारी फैली हुई है, जिसको हम कोरोना काल कह रहे हैं, कोरोना काल के दौरान बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, काफ़ी पहलकदमियाँ की हैं, जिससे कि हम शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं इसमें कुछ हम अपना इस तरह से कंट्रीब्यूशन कर पाएं, ताकि जो ये कोरोना काल की जो अवधि है इसमें हम अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ मीनिंगफुल, कुछ सार्थक नया सीख सकें, हम जिंदगी को एक नए नज़रिए से देख सकें। तो इस सीरीज़ में, ये सीरीज़ हमारी 30 जून से शुरू हुई थी, इससे पहले हमारे 5 अंक हो चुके हैं। यह सीरीज हफ्ते में 3 बार, मंगलवार और बृहस्पतिवार और शनिवार को शाम सायंकाल 6 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रसारित की जाती है। तो पहले के 5 अंकों में हमारे साथ बहुत ही रिप्यूटेड स्पीकर्स फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, अलग अलग तरह से, जैसे कि हमारे साथ पहले जुड़े हमारे पास एकेडमिक से डॉक्टर विष्णु दास जी, डॉक्टर लखविंदर सिंह जी, उसके बाद पंजाबी के एक बहुत ही महान कवि डॉक्टर जसवंत जफर जी, उसके बाद फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्रिंसिपल डॉक्टर धर्मिंदर सिंह उब्बा, डॉक्टर खुशविंदर कुमार जी, फिर हमारे थिएटर के एक बहुत नामी हस्ती जिनका के थिएटर में नाम है, डॉक्टर निर्मल जौड़ा जी, और बहुत सारे लोग, प्रोफेसर एस सी वैद, मैडम पुष्पिंदर वालिया, सभी लोगों ने अपने शिक्षा को वो किस तरह देखते हैं या जिंदगी में शिक्षा का क्या महत्व है, एक सार्थक जीवन के लिए क्या महत्व है, अपने अपने विचार व्यक्त किए। पंजाब कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का हमेशा ही यह प्रयास रहा है कि हम कुछ ऐसी जिंदगी के सभी जो अलग अलग डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ हैं उनसे जो वरिष्ठ लोग हैं उनको बुलाएं, ताकि हमें जो शिक्षा है इसका वास्तव में हमारी जीवन में क्या महत्व है उसको समझाने की, हमें प्लीज वो उनसे हम समझने की चेष्टा करें, ताकि हमें समझ पता चल सके कि विद्या का हमारे जीवन में क्या है और उनके लिए विद्या को वो किस तरह से देखते हैं। तो इसी इसी कड़ी में आज हमारे साथ 6वें अंक में हमारे साथ, हमने हमें सौभाग्य है, हमें बड़ी हार्दिक खुशी हो रही है आपसे शेयर करते हुए कि हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेश बादल जी, जिनका के बारे में उनका इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मेरे को लगता है कि मेरे पास शब्द नहीं है। ही इज एमिनेंट जर्नलिस्ट, ही इज मीडिया डायरेक्टर, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राज्यसभा टीवी, और हमने उनको कितनी ही बेशुमार डॉक्यूमेंट्री टीवीज में, आज तक चैनल को सेटअप करने में, वो शुरुआती दौर में जो उनकी भूमिका है, मेरे ख्याल में हम सब उससे भली भांति प्रचलित हैं। तो आज हमें अवसर है हमारे सभी साथियों को कि श्री राजेश बादल जी शिक्षा को किस तरह से देखते हैं, सार्थक जीवन के लिए क्या शिक्षा का महत्व है, आज हमारे साथ अपने विचार व्यक्त करेंगे। उससे पहले मैं हमारे प्रधान श्री अश्विनी भल्ला जी, जो कि पंजाब कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, ही इज प्रोफेसर इन कॉमर्स एट SCD गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो रस्मी तौर पर श्री बादल जी का अभिनंदन करें और आगे की कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। ओवर टू श्री अश्विनी भल्ला जी। शुक्रिया डॉक्टर विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विकास। सबसे पहले तो मैं भारत के वरिष्ठ पत्रकार, उसके साथ साथ टीवी एंकर भी रहे और टीवी चैनल को स्थापित करने में जिनका एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, श्री राजेश बादल जी का पंजाब कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन के इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि डॉक्टर विकास दीप जी ने बताया कि पंजाब कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ है, तब से हमारा ये लक्ष्य रहा है कि जीवन की विभिन्न घटनाओं को और जीवन के विभिन्न आयामों को साथ लेके चलते हुए हम लोगों के साथ जुड़ें, ताकि इस महामारी से बाहर निकला जा सके। शिक्षा एक बहुत बड़ा आयाम है जिसने, इस कोरोना काल ने इस शिक्षा को बहुत प्रभावित किया है। हमारे स्कूल कॉलेज नहीं खुल पा रहे, हमारे बच्चों की शिक्षा बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं और एक सार्थक जीवन के लिए शिक्षा का क्या महत्व है और किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में हम नए आयाम खोल सकते हैं,
क्योंकि श्री बादल जी का एक बहुत बड़ा अनुभव है, और अगर मैं देखता हूं तो, क्योंकि वो पत्रकारिता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और पत्रकारिता के बारे में डॉक्टर इंदर राज बैद अधीर जी के एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जनहित को आदर्श मानना पत्रकारिता है, भय लालच संकोच त्यागन पत्रकारिता है, शोक नहीं है, खेल नहीं है, और नहीं व्यापार, पूजा सेवा त्याग साधना पत्रकारिता है। और अगर मैं सोचता हूं कि शिक्षा की गुणवत्ता में पत्रकारिता का क्या योगदान हो सकता है, जर्नलिज्म का कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, तो उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि पत्रकारिता और शिक्षा का आपस में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि शिक्षकों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ ही पत्रकारिता में भी वृद्धि होगी। दोनों का उद्देश्य बेहतर दुनिया का निर्माण है, और दोनों ही नए मानव संबंधों की तलाश करते हैं। पत्र पत्रिकाएं आज हमारे जीवन में इस तरह घुल मिल गई हैं कि इसके बिना हम किसी भी दिन के शुभारंभ की कल्पना नहीं कर सकते। शिक्षित समाज ही हमारे समाचार पत्र का पढ़ने का आदि हो गया है, और पत्रकारिता के द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि लाने के लिए बहुत सी बातें कही जाती रही हैं, और वो बुनियादी बातें ना बदली हैं ना बदलेंगी। पहली बात है सच्चाई की निरंतर खोज, दूसरी बदलाव की पहल या बदलाव की दिशा में काम करना, तीसरा है आम लोगों के हितों की रखवाली और उनके भले के लिए काम करना, चौथी और संभवतः जो सबसे जरूरी है, अपनी आजादी को बरकरार रखना पूंजी तकनीक और सत्ता सभी से। यदि पत्रकारिता एक और समाज की गतिविधि से प्रभावित होती है, तो दूसरी और समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी योगदान देती है। पत्रकारिता के द्वारा शिक्षा, लोकतंत्र, मूल्य नीति भी संचारित व निर्देशित होते हैं, जिससे समाज की अभिजात्यता विकसित होती है। शिक्षा समाज का दर्पण है, जिसमें अतीत व वर्तमान के सीख तो विविध होते ही हैं, भविष्य निर्माण के दिशा निर्देश भी होते हैं। पत्रकारिता में चाहे जर्नलिज्म, टीवी जर्नलिज्म हो, चाहे अखबार का जर्नलिज्म हो, विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय, छात्र संघ के चुनाव, वाद विवाद प्रतियोगिता, गोष्ठियां, परीक्षाफल, विश्वविद्यालय की सिंडिकेट की कार्यवाही के समाचार, शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समय समय पर घोषित नीतियां, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के छात्र शिक्षक कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में आयोजित हड़तालों के समाचार, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश संबंधी धरने, जुलूस आदि के बारे में खबर देते हैं। इससे शिक्षा के क्षेत्र में जनता को समय समय पर होने वाले परिवर्तन की नई चीजें, खबर आदि के बारे में ज्ञात होता है। शिक्षा से संबंधित रोचक और सारसूचक जानकारी देना पत्रकारिता का लक्ष्य है। सो पत्रकारिता का शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम योगदान है, और मुझे आज इस बात की खुशी है कि आज हमारे बीच जो वक्ता हैं वो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और एक लंबे अनुभव वाले हैं। डॉक्टर श्री राजेश बादल, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, निर्देशक, राज्यसभा टेलीविजन, पत्रकार और फिल्मकार, पिछले 43 साल से पत्रकार, प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन और सोशल मीडिया पर समान अधिकार, 5,000 से अधिक आलेख प्रकाशित, 10,000 से अधिक टेलीविजन रिपोर्ट्स, 100 से अधिक डॉक्यूमेंट्री का निर्माण, भारतीय टेलीविजन की पहली पीढ़ी के पत्रकारों में से एक, भारत में टीवी पर पहली बार महान विभूतियों पर केंद्रित बायोपिक फिल्मों का निर्माण करने वाले एंकर, निर्देशक, प्रस्तुतकर्ता श्री राजेश बादल, यूट्यूब पर दर्शकों की 30 लाख से भी अधिक संख्या, नई दुनिया में सह संपादक, नव भारत टाइम में मुख्य उप संपादक, दैनिक दुनिया, नई दुनिया में समाचार संपादक, विशेष संवाददाता, आज तक चैनल के विशेष संवाददाता, ब्यूरो प्रमुख और संपादक रहे, सीएनबी चैनल के प्रधान संपादक, बीएजी फिल्म्स कार्यकारी संपादक, इंडिया न्यूज चैनल में न्यूज डायरेक्टर, वॉइस ऑफ इंडिया चैनल समूह में मैनेजिंग डायरेक्टर और एसोसिएट समूह संपादक, भारत की संसद के दूसरे चैनल राज्यसभा टीवी के संस्थापक, कार्यकारी संपादक और कार्यकारी निर्देशक लगातार 7 साल रहे, टेलीविजन में भारत की पहली समाचार पत्रिका परख के विशेष संवाददाता, पहली क्षेत्रीय समाचार टीवी पत्रिका दस्तक से के एंकर और डायरेक्टर, पहले टीवी दैनिक बुलेटिन न्यूज वेब के विशेष संवाददाता, पहले स्वदेशी चैनल आज तक के विशेष संवाददाता, भारत के पहले टीवी ट्रेवलॉग
चुनाव के हमराही में अरुणाचल से लेकर कन्याकुमारी तक का सफर, मध्य प्रदेश के पहले टीवी न्यूज एंकर, जयपुर दूरदर्शन में भी टीवी न्यूज एंकर रहे और अनेक कार्यक्रमों की प्रस्तुति, टीवी इतिहास में पहली बार राज्यपालों पर केंद्रित श्रृंखला महामहिम राज्यपाल का निर्देशन और एंकर, 10 से अधिक चैनल शुरू किए, रेडियो के साथ 43 साल से रिश्ता, आकाशवाणी के साथ कंपेयर और अनाउंसर से लेकर न्यूज रीडर, रेडियो नाटकों, रूपकों और रेडियो रिपोर्टों का निर्माण, भीषण हादसे, सुनामी का तमिलनाडु से वॉइस ऑफ अमेरिका रेडियो के लिए कवरेज, बीबीसी लंदन के साथ राजनीतिक समीक्षक के रूप में प्रसारण, अमरीकी सरकार के आमंत्रण पर मीडिया स्टडी के लिए लंबी यात्रा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, फ्लोरिडा समेत अनेक शहरों में व्याख्यान, नेपाल में आए भूकंप का प्रभावशाली कवरेज, मीडिया शिक्षा की दिशा में पिछले 30 साल से सक्रिय, 20 से अधिक विश्वविद्यालयों में व्याख्यान, सेमिनार, बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य, पाठ्यक्रम पुनर्संरचना में शामिल अनेक पुस्तकों का लेखन सहयोग। सबसे बड़ी बात यह है कि गांधीवादी विचारक महात्मा गांधी के जन्म से जन्म के 150वें साल में देश के अनेक राज्यों में व्याख्यानों का लंबा सिलसिला, इसकी शुरुआत बापू के सेवाग्राम से हुई। विज्ञान पत्रकार के रूप में अनेक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी, आधा दर्जन पुस्तकों में लेखन सहयोग, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता पुरस्कार, राजेंद्र माथुर सम्मान समेत अनेक सम्मान और पुरस्कार, सन 1977 से लेकर अब तक देश की करीब सभी विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में कवरेज कर चुके हैं। स्पेशल मीडिया में पिछले 22 साल से सक्रिय, समाचार चार मीडिया .com, अमर उजाला .com, न्यूज व्यूज .com इत्यादि अनेक वेबसाइट पर लगातार लेखन, और मुझे खुशी है कि हमारे बुलावे पर जब ये लुधियाना आए और इन्होंने साहिर लुधियानवी पर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो लुधियाना के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर है, और पूरा लुधियाना, पूरा पंजाब इनके लिए पूरी तरह एक श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और इनका इनको बधाई भी देता है कि इन्होंने इतना बड़ा काम जो है अपने सारी लेखनी के सफर में किया। सो शिक्षा के सार्थक जीवन के लिए शिक्षा का क्या महत्व हो सकता है, अपने लंबे अनुभव से श्री बादल जी आज हमारे साथ साझा करेंगे। मैं श्री राजेश बादल जी से विनती करता हूं कि वे अपना व्याख्यान दें। श्री राजेश बादल भारत के महान पत्रकार और एक बहुत बड़ी हस्ती इस देश के लिए। श्री राजेश बादल जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, डॉक्टर भल्ला विकास जी, और आपकी जो संस्था है जिन्होंने आप और आपके बहुत सारे शुभचिंतकों को उनसे मुझे जोड़ा है, और आज आपने ये अवसर दिया है कि जो देश समय, देश ही नहीं बल्कि समूचा संसार जिस संक्रमण काल से गुजर रहा है, उसमें हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो वास्तव में जब यह संक्रमण काल नहीं होता तो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। हमारा जो समूचा शिक्षा तंत्र है और हम जो एजुकेशन हासिल करते हैं, दरअसल कई बार हम लोगों को ये सोचने के लिए बाध्य करता है कि हम जो शिक्षा हासिल कर रहे हैं, हमारी जो नई नस्लें आ रही हैं, उन्हें हम जो शिक्षा दे पा रहे हैं, क्या वो एक सच्चा भारतीय बनाने में, दुनिया का एक सच्चा नागरिक बनाने में वो सही दिशा में मदद कर रही हैं, अथवा उसमें कहीं कुछ संशोधन या सुधार की कोई गुंजाइश है। जिंदगी का दरअसल मतलब क्या है और शिक्षा उसको किस तरह से किसी इंसान को उसमें जोड़ती है, हमारे जिंदगी के सफर में सुख दुख, गरीबी अमीरी, कामयाबी नाकामी, सब कुछ आता है। और इसीलिए किसी ने जो बात कही है कि तन सयारा मन बंजारा, कदम कदम दुश्वारी है, जीवन जीना खेल नहीं है, बहुत बड़ी फनकारी है। औरों जैसे होकर हम भी बाइज्जत हैं बस्ती में, कुछ लोगों का भोलापन है, कुछ अपनी अय्यारी है। इसका अर्थ यह है मित्रों कि अगर आज हम जिंदगी जिस तरह से जी रहे हैं तो क्या सिर्फ यही जिंदगी के मायने हैं? पर हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, प्राथमिक स्कूल में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं और डिग्री के मुताबिक हम अपनी शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। तो एक
तो स्थिति वो है जो हमारी पाठशाला हमें पढ़ाती है, हमारा स्कूल हमें पढ़ाता है, हमें संस्कार देता है, हमारा कॉलेज हमें संस्कार देता है, हमारी यूनिवर्सिटी हमें संस्कार देती है। लेकिन एक पाठशाला और है मित्रों, जो जिंदगी हमें पढ़ाती है। जिंदगी की पाठशाला में हम सब जो हासिल करते हैं, जो समाज हमें देता है, वो कहीं ना कहीं हमारे मुख्य जो शिक्षा का जो ज्ञान है उससे कमतर नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि समाज की ओर से भी जो तालीम, बेहतर तालीम से मिलती है हमारे सपनों को उड़ान, उड़ने वाले कोई पंख नहीं मांगा करते। तो इसका अर्थ यह है कि अगर हमारे सामने स्थितियां स्पष्ट हों, साफ हों, कि हम जो जिस तरह का इंसान, जिस तरह का देश, जिस तरह का समाज बना रहे हैं, वास्तव में हमारी शिक्षा प्रणाली का वही उद्देश्य है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसमें कोई किंचित मात्र भी संशोधन की आवश्यकता है, तो हमें इस मौके पर जरूर इस बात का चिंतन और मनन करना चाहिए। ये अच्छी बात है कि कोरोना काल है हमारे देश के सामने, अन्यथा हमारे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय अपने तरीके से अपनी पढ़ाई दे रहे होते, उनकी परीक्षाएं चल रही होती। लेकिन इस जो एक तरह से हमारे व्यवधान के रूप में आया है, भले ही हम ऑनलाइन अपनी क्लासेस शुरू कर रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन एक एक ऐसा शून्य काल है जिस शून्य काल में हमें अपने आप को भी सोचने पर विवश किया है कि किन मूल्यों की स्थापना हमारे इस शिक्षा प्रणाली में होती है। मित्रों, आज प्रोफेशनल लाइफ का जमाना है और हम लोग बहुत अक्सर ये बात करते हैं कि इंसान को अच्छा ए ग्रेड का अगर कोई प्रोफेशनल है, लेकिन अगर वो सी ग्रेड का इंसान है, मतलब इंसानी जो मूल्य हैं, जो नैतिकताएं हैं, जो सरोकार हैं, जो सार्थकता है, अगर उस नजरिए से कोई कमजोर है, तो उसके प्रथम श्रेणी के पेशेवर होने या प्रोफेशनल होने का बहुत ज्यादा कोई अर्थ नहीं है। अगर कोई सी ग्रेड का प्रोफेशनल है और ए ग्रेड का इंसान है, तो उसको सी ग्रेड से ए ग्रेड का प्रोफेशनल तो बनाया जा सकता है, लेकिन सी ग्रेड के इंसान को ए ग्रेड का इंसान बनाना थोड़ा सा कठिन होता है, मुश्किल होता है। मैं कुछ उदाहरण के साथ बात करूंगा। देखिए, हम सब लोग आज के समाज में, ठीक है, नौकरी हम पा जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, हमारे बच्चे नई सरकारी नौकरी पाते हैं, मल्टीनेशनल्स में जाते हैं और अच्छा वो ज्ञान ग्रहण करते हैं। और अपने, देखिए, हमारे जो बच्चे हैं, भारत के बच्चे हैं, अमेरिका की आईटी इंडस्ट्री के 60% बच्चे हैं जो जो उसको नियंत्रित करते हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन क्या हम अपने उन मूल्यों, हम अपने उन सरोकारों का की जो जो शिक्षा है, वो भी क्या उस नई पीढ़ी को दे पाए हैं? मुझे लगता है कि क्या, हाँ, इस मामले में हमसे कहीं कुछ थोड़ी सी चूक हुई है। मसलन मैं एक बहुत घरों घर का उदाहरण बताता हूं कि उस शिक्षा प्रणाली में क्या हुआ है। हम मैंने देखा है अपने बचपन में कि एक बार शिक्षक बनने के लिए, शिक्षा का जो स्थान होता था समाज में, बहुत ही सम्मान के साथ होता था, बहुत आदर के साथ लिया जाता था। और अगर कोई शिक्षक बन जाता था तो पूरा समाज, पूरा देश उसको सिर पे उठाता था। अब हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपके घर में, मेरे घर में कोई शादी योग्य बेटी है, बहन है, और उसकी हम शादी के लिए वर की तलाश करते हैं, तो हम, मैंने खुद देखा है कि आम घरों में कुछ बातचीत इस तरह से होती है कि लड़के की तनख्वाह तो ठीक है 10,000 रुपए है, लेकिन ऊपर की आमदनी उसकी 25,000 रुपए। अब यानी हम जब अपने घर के से रिश्ता जोड़ने के लिए किसी युवक की तलाश करते हैं, तो उस युवक के परिवार, उस युवक के संस्कार, उस युवक का स्वभाव देखने से पहले हम ये बात करते हैं कि उसकी ऊपर की आमदनी कितनी है। यानी कहीं ना कहीं हमारे इस सोच के सिस्टम में ये खराबी आई है। अब इस सोच के सिस्टम पर खराबी कैसी, जैसे अभी डॉक्टर भल्ला ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो सच के साथ संवाद है वो होना ही असल बात है। महात्मा गांधी क्या करते थे? महात्मा गांधी का सत्याग्रह क्या था? महात्मा गांधी का सत्याग्रह यही था, सच के साथ संवाद। देखा जाए तो महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, वकालत पढ़ी थी, विलायत जाके पढ़ी थी, लेकिन जब हम आंख बंद करते हैं और महात्मा गांधी के किसी रूप को याद करना चाहते हैं, तो वो उनकी बैरिस्टरी का रूप याद नहीं आता, क्योंकि जब वो जिंदगी में अपनी पहली दफे अपने बैरिस्टरी मुकदमा लड़ने के लिए गए, तो उन्होंने कहा ये तो वो ये जिंदगी नहीं है।
और यहाँ आपको कदम कदम पर झूठ का सामना करना पड़ रहा है। और वो बैरिस्टर महात्मा गांधी पहले मुकदमे में, पहले दिन सुनवाई में उसको चक्कर आ गए और वो धम्म से उस कटघरे में जहाँ जो वकील का जो स्थान होता था वहां भी बैठ गया और उसने अपने क्लाइंट से कहा कि आप कोई दूसरा वकील कर लो, मैं आपके लिए इस तरह के मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकता। ये महात्मा गांधी की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद महात्मा गांधी ने अपने आप को जिस तरीके से ढाला उस रूप को सारे देश ने देखा। महात्मा गांधी ने अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा था, महात्मा गांधी ने कोई एक सामाजिक समरसता की कोई शिक्षा डिग्री हासिल नहीं की थी, लेकिन आज क्या बात है कि 150 साल उनके जन्म शताब्दी हमने पिछले 150वीं जन्म शताब्दी वर्ष पिछले साल मनाया, लेकिन हम उनको जब याद करते हैं तो हम उनको एक ऐसे महापुरुष के रूप में याद करते हैं। अभी देखिए कोरोना काल में जब बात होती है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बहुत सारे संस्थान हमारे बंद हो गए, तो नए सिरे से अब किस तरह से हमें कौन सी ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करनी चाहिए, कौन सा ऐसा समाज में ढांचा विकसित करना चाहिए जो हमारे समाज को अब इस समय अनुकूल हो। तो महात्मा गांधी के स्वराज की बात आ रही है, उनके हिंद स्वराज की जो पुस्तक है अगर किसी ने पढ़ी हो, हम सब ने पढ़ी है, तो हमें पता है कि जो आर्थिक स्वराज उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा ये सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि हर गांव, हमारा हर शहर अपने पैरों पर खड़ा हो और तब ये देश आगे होगा। एक दूसरी बात मैं आता कहना चाहूंगा कि जो मैंने अभी शादी वाला उदाहरण दिया था, एक हमारे घरों में, हमारे पड़ोस में, हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे सोच में, हमारे शहर में और हमारे देश में कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता, कोई इसका खंडन नहीं कर सकता कि हम कहीं ना कहीं अब करप्शन के नाम की महामारी का शिकार हो गए। अगर हमारी शिक्षा प्रणाली किसी नए नस्ल के नए नौजवान को भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग के लिए तैयार नहीं करती तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें हम पुरानी पीढ़ी का भी हमारा दोष है। तो अगर हम उस भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं, इस तरह के समाज की रचना करना चाहते हैं जिसमें हम एक भारतीय के तौर पर नजर आए, भारतीय के तौर पर पेश आए, तो हमें एक एक हम सब ने, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, मुंशी प्रेमचंद का नाम सबने सुना है। मुंशी प्रेमचंद देश के बहुत बड़े उपन्यासकार हैं, सम्राट, उपन्यास सम्राट, कथाकार कहे जाते हैं, क्योंकि उनकी कहानियों में हम सबकी जिंदगी का एक एक झलक देखने को मिलती है। जब हम उनकी कहानी पढ़ते हैं और आंख बंद करते हैं तो हमारे ही गांव घर की तस्वीर सामने आती है। जब उनकी शादी हुई, दूसरी शादी हुई, पहला विवाह उनका नाकाम हो गया था, दूसरा विवाह जब हुआ और जब वो उत्तर प्रदेश में एक जगह है, महोबा नाम की जगह है, वहाँ वो शिक्षा विभाग में ही थे और शिक्षा विभाग के निरीक्षक के रूप में वहां गए, तो उस समय जो सरकारी वाहन मिला करता था शिक्षा विभाग में, वो मिलते थे दो, या तो घोड़ा मिलता था या बैलगाड़ी मिलती थी, और उसके जरिए वो शिक्षा विभाग का निरीक्षक सारी शालाओं की, पाठशालाओं की और उनकी निगरानी किया करता था। जब ये शादी तुरंत बाद पहुंचे तो बड़े उदास रहने लगे। इनकी पत्नी ने इनसे पूछा कि क्या बात है, आप आजकल उदास हैं, बहुत कुछ आप खुश नहीं रहते हैं, शादी के समय जिस तरह से खुश थे। प्रेमचंद जी ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि जब लगातार रोज ऐसे होने लगा तो प्रेमचंद जी ने उनसे, फिर एक दिन उनकी जो शिवरानी देवी हैं वो पीछे पड़ गए कि आज तो आपको बताना पड़ेगा नहीं तो आज आपको खाना नहीं मिलेगा। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा कि देखो भाई ऐसा है कि अभी हमारी शादी हुई है, हम चाहते हैं कि हम अब घूमें, मैं तुमको नई नई जगह ले जाऊं, तुम भी जवान हो, मैं भी जवान हूं, और हम जगह जगह जाएं। तो शिवरानी जी ने कहा इसमें किसने रोका है आपको, क्या बाधा है, चलिए चलते हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन जाने के लिए हमको साधन की आवश्यकता है। तो शिवरानी जी ने कहा कि ठीक है, आपको शिक्षा विभाग के से की तरफ से घोड़ा मिला हुआ है, एक बैलगाड़ी मिली हुई है। प्रेमचंद जी ने कहा कि नहीं, ये गलत इस्तेमाल होगा सरकारी वाहन का। अब देखिए आज आज का दौर देखिए, और मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब जो 100 बरस पहले का हिंदुस्तान था। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा कि नहीं, ये सरकारी वाहन का दुरुपयोग होगा, मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता। तब शिवरानी जी ने कहा कि अच्छा फिर क्या करना चाहिए, हमारी अपनी बैलगाड़ी आ जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 32 रुपए की बैलगाड़ी आती है, 16 रुपए के बैल आते हैं और 16 रुपए की गाड़ी आती है, जब ये हम और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, यही मेरे दुख का कारण है। तो शिवरानी जी अंदर गई, एक घड़ा निकाल के लाई, घड़े में बहुत सारे सिक्के थे, वो सिक्के उन्होंने पलट दिए उस चारपाई पर और कहा कि देखिए ये मेरी बचत है, इसको आप देखिए।
उसमें 37 रुपए निकले, जिसमें से मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं अपनी कलम का सिपाही में कि उसके बाद अगले दिन हम लोगों ने बैलगाड़ी खरीदी, 16 रुपए के बैल आए, 16 रुपए की गाड़ी, और इसके बाद हम लोगों ने लगातार मतलब शादी के बाद के दिनों का आनंद उठाया। तो कहने का अर्थ यह है कि एक वो नैतिक मूल्य थे जो उस दौर की शिक्षा प्रणाली देती थी, जो अपेक्षाकृत हमारा समाज उतना साक्षर नहीं था, लेकिन एक इंसान को इतना जागरूक बनाता था कि वो गलत करने से पहले एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार सोचता था। सरकारी साधन का दुरुपयोग, मैं एक और छोटी सी उदाहरण देता हूं, एक और हिंदी के बड़े उपन्यासकार हुए हैं, उनका नाम है वॉल्टर स्कॉट, जिनको हिंदी का बोलते हैं, उनका नाम है वृंदावन लाल वर्मा। जब उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म की तो इनके पिताजी ने इनको नौकरी लगवाई और कचहरी में नौकरी लग गई। कचहरी में जब नौकरी लग गई तो इनकी तनख्वाह थी 9 रुपए, और अब इनको उर्दू आती नहीं थी, तो उर्दू उस समय क्योंकि सरकारी जबान थी, तो इन्होंने एक लिपिक जो एक क्लर्क जो था वो रखा, जो उनके उर्दू में उनका जो काम कर दिया करता, उसको उन्होंने 2.5 रुपए की वेतन तय की। जब 9 रुपए इनकी वेतन, 2.5 रुपए उसमें से 2.5 रुपए इनको उस नौकर को देने थे या क्लर्क को देने थे, जब 1 महीना पूरा हुआ तो वो जो लिपिक था उनके पास आया, तो इन्होंने सोचा कि वो सैलरी लेने आया है, तो इन्होंने 2.5 रुपए निकालना चाहे, तो इतने में उस नौकर ने 27 रुपए उनके हाथ में रख दिए। तो ये चौंक गए, बोले 27 रुपए कैसे? बोले 9 रुपए तो आपकी सैलरी आपके खाते में आएगी या आपको मिलेगी, ये 27 रुपए ऊपर की आमदनी है जो कचहरी में आपके काम के लिए मुझे मिली है, और ये आपका है, इसमें से जो भी आपको मुझे देना हो वो आप जो है मुझे दे दीजिए, मुझे अपनी तनख्वाह नहीं चाहिए। वृंदावन लाल वर्मा परेशान हो गए, ये क्या बात कर रहा है, ये घूस इसने ली है। और वो कई दिन तक सो नहीं पाए, और मित्रों जब वो सो नहीं पाए अगले 2 4 6 दिन तक उनका हाल ये रहा कि दिन रात परेशान थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं ये नौकरी नहीं कर सकता, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे करके उनको वन विभाग की नौकरी मिली। वन विभाग में उनको जो काम करते थे तो वहां ये उपन्यास लिखते थे, और इतने तेज थे काम करने में कि 8 घंटे का काम, सरकारी काम, केवल 2 घंटे में कर लेते थे, बाकी 6 घंटे अपना उपन्यास लिखते थे। तो एक दिन हेड क्लर्क ने इनको बुलाया और कहा कि वर्मा जी ये तो बात ठीक नहीं, आप तो करप्शन कर रहे हैं। वृंदावन लाल वर्मा चौंक गए, करप्शन कैसे कर रहे हैं, मैंने तो कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप 8 घंटे के लिए नौकरी पर आए हैं, आप 2 घंटे काम करते हैं, 6 घंटे अपना घर का काम करते हैं, सरकार का कागज खर्च करते हैं, सरकार की स्याही यूज होती है, सरकार की कलम यूज होती है, तो ये तो करप्शन है। वृंदावन लाल वर्मा जी ने कहा कि ये बात तो तुम्हारी सच है, और अगले दिन से उन्होंने पूरे 8 घंटे सरकारी दफ्तर के लिए लगाए, और उन्होंने कहा कि इसके प्रायश्चित स्वरूप मैं 1 घंटे तक पूरे दफ्तर में खड़े खड़े 8 घंटे काम करूंगा। तो ये मेरे दो उदाहरण में इसलिए देना चाहता था कि ये जो स्थितियां हैं कि जब आपके अंदर का नैतिक बल इतना महत्वपूर्ण होता है, वो देश का एक चरित्र बनाता है, और तब आप व्यवस्था से हर किसी उसके साथ आप संघर्ष कर सकते हैं जो आपको कहीं ना कहीं झुकने का के लिए बाध्य करती है, मजबूर करती है। एक गुलामी के दिनों की एक और मैं कहानी आपको सुनाऊंगा, फिर मैं बात आगे बढ़ाऊंगा कि आजकल की शिक्षा में हमें किस तरह से मीनिंगफुल की जो बात हम करते हैं, सार्थक शिक्षा की जो बात करते हैं, वो किस तरह का हमारी मानसिक संरचना उस शिक्षा को देना चाहिए। हम सबने माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाम सुना है, और उन्होंने जो 1920 या 24 की बात है, उन्होंने कर्मवीर नाम का एक अखबार निकाला था जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी के प्रताप के बराबर ही बड़ा साहसी निर्भीक पत्रकारिता करते थे। अभी डॉक्टर भल्ला ने पत्रकारिता के बारे में बहुत ही अच्छी बात कही थी कि जो पत्रकारिता समाज को दे सकती है, वही वो देने वाली पत्रकारिता डॉक्टर माखनलाल चतुर्वेदी जी की थी और गणेश शंकर विद्यार्थी जी की थी। तो जब डिक्लेरेशन भरने के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी गए, तो वहां एक स्कॉटलैंड स्कॉटिश कमिश्नर कलेक्टर था, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ तो मिस्टर मिथाइस, मिस्टर मिथाइस के पास ये जाते हैं और कहते हैं कि मैं साहब जी हिंदी में एक अखबार निकालना चाहता हूँ, कर्मवीर। तो उस समय सरकार की तरफ से एक अंग्रेजी में साप्ताहिक अखबार निकला करता था, तो मिस्टर मिथाइस ने कहा कि जब हमारा एक अखबार साप्ताहिक निकलता है तो आपको हिंदी में अखबार निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है चतुर्वेदी जी? उन्होंने कहा कि आपका अखबार सच नहीं बोलता, आपका अखबार सरकारी बात बताता है, और मैं वो लिखना चाहता हूं जो समाज की बात है, जो सच बात है।
तो मिस्टर मिथाइस ने कहा कि ये तो मैं तो समझता था कि मेरा जो हुकूमत है, मेरा जो जिला है, बहुत अच्छा प्रशासन कर रहा है, और मिस्टर चतुर्वेदी मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि मेरे अखबार में जो छपेगा साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार में, वो उससे आपको अब कभी शिकायत नहीं मिलेगी। देखिए, दो एक विद्वानों के बीच में संवाद हो रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा, और कर्मवीर हर वो सच साहस के साथ लिखेगा जो हमारे देश की सच्चाई है। और इस तरह से जब उनको डिक्लेरेशन मिल गया, तो उन्होंने फिर जेब से निकाल के कुछ 40-50 रुपए मिस्टर मिथाइस के सामने रख दिए। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या बात है, तो ये रुपए किस बात के हैं, डिक्लेरेशन तो आपको दे दिया। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा कि मुझे मालूम है कि आप नैतिक रूप से आप बहुत अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, आदर्श हैं, लेकिन आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम मुझे बार बार मुकदमा मेरे ऊपर कायम करूंगा करेगा, क्योंकि मैं सच लिखूंगा। तो ये 3 बार की जमानत के पैसे मैं अभी आपके पास जमा करा के जा रहा हूं, और ये आपके पास काम आएंगे, इसलिए मैं जो है ये पैसे आपको दे रहा हूं। तो ऐसे लोग भी होते थे जो गुलामी के दिनों में आंखों में आंखें डाल के, ये हमारे शिक्षा का वो स्तर था कि ठीक है, हमारी शिक्षा का प्रतिशत उस समय कोई, जब देश आजाद हुआ तो 18% लोग साक्षर होते थे। 18% साक्षरता का क्या मतलब था? लेकिन क्या हमारी नैतिक शिक्षा, हमारी क्या सामाजिक शिक्षा बहुत अच्छी नहीं थी? क्या हमको एक ऊंचे हिंदुस्तान की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित नहीं करती थी? करती थी, निश्चित रूप से करती थी। आज उन मूल्यों की अगर हम बात करें तो हम कहाँ ठहरे हैं? कोरोना काल ने हमको इन मूल्यों पर सोचने के लिए एक तरह से परिस्थितियां पैदा की हैं कि हम आज जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिसका सामना कर रहे हैं, उसमें हमें सच के साथ संवाद करना सीखना चाहिए, अपने नैतिक मूल्यों को लेके, सार्थक जीवन की सार्थक बनाने वाले मूल्यों को लेके काम करना सीखना चाहिए। एक मैं महात्मा गांधी की बात चूंकि उठाई उठी हुई थी, और महात्मा गांधी की चर्चा हम लोग करते आए हैं, आपको देखिए याद है पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बर्बर हत्याकांड हुआ था, और ये 1919 में हुआ था। उसके बाद लगातार गोरी हुकूमत अपने इस रूप में आई थी कि आए दिन नौजवानों को फांसियां दे रही थी। हमारे सरदार भगत सिंह साहब, सुखदेव, राजगुरु जैसे अनगिनत लोग, उससे पहले करतार सिंह सरावां, जिसके जिससे भगत सिंह ने प्रेरणा ली थी, उनको फांसियां मिली थी। और इस तरह से जब इस तरह से वो देश में आतंक का राज फैला रहे थे, तो एक एक्ट आया था उसी साल जो जब जब महात्मा गांधी थे, और जब जलियांवाला बाग हुआ था, उसमें ये नियम था कि जो भी आप कंटेंट अखबारों में लिखेंगे, उसका एक एक शब्द, एक एक लफ्ज, उसकी परमिशन आपको गोरी हुकूमत का जो सक्षम अधिकारी है उससे लेना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने उसके विरोध में सत्याग्रह नाम से अखबार निकाला, और उसमें पहले पन्ने पे लिखा कि ये सरकार के खिलाफ मेरा सत्याग्रह है, और मैं ना तो इस अखबार को निकालने की अनुमति लूंगा, और ना ही एक एक शब्द, क्योंकि यह पत्रकारिता के सिद्धांतों का उल्लंघन है, और मैं उसमें जो लिखूंगा उसको सरकार से कहीं अप्रूव नहीं कराऊंगा, किसी अधिकारी से अप्रूव नहीं कराऊंगा। और बाद में गोरी हुकूमत को झुकना पड़ा, महात्मा गांधी ने वो अखबार निकाला। तो ये सच की ताकत होती है। अफसोस की बात यह है कि आज हम अपनी जो शिक्षा की बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं सच का स्थान हमारा थोड़ा सा सिकुड़ गया है। और एक उदाहरण, आज हम विज्ञान का युग कहते हैं, वैज्ञानिक शिक्षा की बात करते हैं, दो उदाहरण हैं मित्रों। एक उदाहरण मैं आपको, पाकिस्तान के अब्दुल कादिर साहब के नाम के एक बड़े परमाणु विज्ञानी हैं, और पाकिस्तान में परमाणु क्षमता को विकसित करने के जनक माने जाते हैं। और जब एक स्थिति ऐसी भी आई, तो उन्होंने लीबिया, उत्तर कोरिया और कुछ और देशों को लेके उन्होंने परमाणु तकनीक की कालाबाजारी की, बदले में उन पर कार्रवाई हुई। बाद में परवेज मुशर्रफ साहब आए तो उन्होंने उस सारे मामले साफ कर दिए। तो उस विज्ञान का एक विध्वंसक, आज हम परमाणु क्षमता का शांतिपूर्ण इस्तेमाल करना चाहते हैं, दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने परमाणु तकनीक, कहते हैं कि उस समय उनको $30 लाख मिले थे। अब इसके उलट एक उदाहरण वैज्ञानिक शिक्षा का, हमारे यहाँ 100 साल पहले भी 1858 में जगदीश चंद्र बसु पैदा हुए थे बंगाल के, और उन्होंने जो है बेतार के तार का आविष्कार किया, जिस पर मार्कोनी को कई साल के बाद नोबेल पुरस्कार मिला। मेरा ख्याल है, अगर मुझे ठीक याद है तो 1909 की बात है,
मार्कोनी को नोबेल पुरस्कार मिला, और उससे पहले जगदीश चंद्र बसु कलकत्ता में अपने अंग्रेज प्रोफेसर के साथ उसका प्रयोग कर चुके थे, लेकिन उन्होंने कॉपीराइट और पेटेंट इसलिए नहीं कराया कि वो नहीं चाहते थे कि लंदन जाकर के मुझे पेटेंट कराना पड़े, मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तान में अगर होगा इसका पेटेंट तो कराऊंगा, और इसके यही कारण था कि उनको इसका नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। इसी तरह से उन्होंने ये एक विज्ञान की एक नई अवधारणा विकसित की कि वनस्पति और प्राणी दोनों के जो टिश्यूज हैं, ऊतक हैं, दोनों में समानता है, जिसको हम कहते हैं कि जीवन की बात करते हैं। तो उन्होंने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी में, बॉटनी में, आर्कियोलॉजी में कौन सा क्षेत्र ऐसा था जिसमें जगदीश चंद्र बसु ने योगदान नहीं दिया और सारा राष्ट्र आज उनके प्रति कृतज्ञ है। तो एक उदाहरण हमारे आधुनिक विज्ञान की शिक्षा के रूप में अब्दुल कादिर का नाम सामने आता है, तो दूसरा हम जगदीश बसु की बात करते हैं जिन्होंने अपने एक महान देशभक्त होते हुए हिंदी में विज्ञान कथा लेखक के रूप में, तो पहले इस देश के विज्ञान कथा लेखक थे, बहुत बड़े राइटर थे वो। तो ये उनके एक हमारी वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक युग की बात है। लेकिन एक सवाल भी खड़ा होता है, भल्ला साहब मुझे बता दीजिएगा जैसे ही मेरा समय पूरा हो जाए नहीं, या आपके पास है समय सर, आप कीजिए, आप बहुत बढ़िया हाँ बात कर रहे हैं, आप जी, चलिए। तो लेकिन ये हमारे लिए सोचने की बात है कि आज जब हम कहते हैं कि विज्ञान का युग है, गांव का आदमी पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, गांव चाहे वो, लेकिन वो मोबाइल यूज करता है, टेलीविजन यूज करता है, मोबाइल चार्जर यूज करता है, टेलीफोन यूज करता है, और भी तमाम सारे वैज्ञानिक उपकरण इस्तेमाल करता है, लेकिन हम एक नया वैज्ञानिक 100-150 साल में डॉक्टर सीवी रमन, होम डॉक्टर भाभा और उनके बाद हम पिछले 30-40-50 वर्षों में क्यों नहीं पैदा कर पाए, ये हमारे लिए एक सोचने की बात है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, वो भी परदेश में लंदन में जाके बस गए, यूरोप में जाके बस गए, अभी हाल में उनका निधन हुआ 2-3 साल पहले। तो अगर हम एक ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें इस देश की नौनिहाल, इस देश की नई पीढ़ी वो एक ऐसे रूप में आए कि वैज्ञानिक युग में नई शिक्षा के साथ सामने आए, मूल्यों की शिक्षा के साथ में सामने आए, सार्थक शिक्षा के रूप में सामने आए, तो मुझे लगता है कि हमारी इस शिक्षा प्रणाली का कहीं ना कहीं देश हित में इस्तेमाल है। पुराने काल में, प्राचीन काल में क्या होता था, यही तो होता था। हमारे हमारे यहाँ वाचिक परंपरा थी, हमारे यहाँ ग्रंथ लिखे जाते थे, चरक संहिता है, सुश्रुत, लेकिन अब हम बात करते हैं कि हजारों साल पहले हमारे यहाँ शल्य चिकित्सा होती थी, लेकिन हम उस शल्य चिकित्सा को बरकरार नहीं रख पाए। तो हमारे साथ ये कमजोरी है कि ज्ञान हमारे पास होता है लेकिन हम उस ज्ञान को अगली पीढ़ी तक ले नहीं जा पाते, आगे ले जाने में ये कहीं हमें सोचने के लिए बाध्य करता है कि गड़बड़ आखिर कहाँ हुई है। और इसीलिए ये बात मुंह से निकलती है कि जो हमारी शिक्षा है तो अपनी, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे अमेरिका में जाकर के आईटी एक्सपर्ट बनते हैं, यूरोप में जाके झंडा गाड़ते हैं, तिरंगा लहराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस शिक्षा की प्रणाली को लेके हमारे मन से ये आवाज भी निकलती है कि है व्यवस्था से बहुत गुस्सा भी वो, और कर लेता है समझौता भी वो, जिंदगी की दौड़ में भी है शरीक और कई मोड़ों पर है ठहरा भी वो, गैर तो लगता नहीं वो आज भी, हाँ मगर लगता नहीं अपना भी वो। मेरा ख्याल है कि इसमें काफी कुछ सारी बातें समाहित हैं, और अगर हम लोग बातचीत करना चाहते हैं, कुछ सवाल जवाब भी करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक उपयुक्त समय होगा कि हम उस पर एक अंतराल लें, और अगर आप जैसा आप आगे कहेंगे फिर हम आगे बढ़ाएंगे उस बात को। बहुत बहुत शुक्रिया बादल जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि शिक्षा का असल अर्थ तो यही है कि सच के साथ संवाद। लेकिन आजादी के बाद, 1947 के बाद जो सपने हमारे देशभक्तों ने देखे थे, जिस गरिमा के साथ हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, शायद वो कहीं सपने लुप्त हो गए हैं। सबसे बड़ी महामारी आज कोरोना नहीं है, कतई कोरोना नहीं है, बिल्कुल सबसे बड़ी बिल्कुल महामारी भ्रष्टाचार है। अगर वो समाप्त हो जाए तो ये महामारियां आएंगी ही नहीं, क्योंकि हमने अगर वातावरण को प्रदूषित किया है, हमने अगर नेचर को डिस्ट्रॉय किया है, तो उसके लिए जिम्मेवार हमारी जो भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति है उसी ने किया। कहीं ना कहीं अगर कोरोना काल के लिए जिम्मेवार है तो हमारी शिक्षा प्रणाली ही है, क्योंकि हम वो सारी चीजें इनकलकेट ही नहीं कर पाए अपने विद्यार्थियों के अंदर, अपने
पूरे नागरिकों के अंदर जो इस चीज से लड़ सके। तो अभी हम थोड़ा अंतराल के बीच में मैं विनती करूंगा, डॉक्टर महिंदर गरेवाल जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर महिंदर कौर गरेवाल गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स लुधियाना से प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं और इवन आफ्टर रिटायरमेंट शी इज डूइंग वंडरफुल थिंग्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। चाहे वो झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना हो, चाहे गांव की लड़कियों को एक दिशा की ओर लेके जाना हो, आज भी वो अग्रसर है रिटायरमेंट के बाद भी। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो कुछ कहें, देन हम आगे बात बढ़ाएंगे। डॉक्टर महेंद्र गरेवाल आप अपने मैडम अनम्यूट कर लीजिए। यस यस भल्ला जी, विच लैंग्वेज शुड आई यूज, हिंदी इंग्लिश और पंजाबी? तुसी तुहाडा तुहाडी इच्छा जी, चलो हिंदी यूज। आई एम फीलिंग सो हैप्पी, सो सैटिस्फाइड टुडे, यू नो इट वाज माय ड्रीम टू लिसन टू दिस जेंटलमैन Rajesh Badal ji. I knew a bit about him, that he has done a lot, but the way you have told, he has contributed, you know, not only contributed but manifested in experimentation which you have performed today from this platform of your organization. Especially I should like to tell him, सर मैं शहीद करतार सिंह सराबा के गांव की हूँ। अरे वाह, क्या बात। शहीद करतार सिंह सराबा का सराबा गांव है, मेरा भी वही गांव है। और जिस स्कूल में वो पहले पढ़ाई करते थे, बाद में वो बाहर गए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है अब वो मेरे गांव में, मैं वहां से 10वीं तक पढ़ी हूँ। और वहां पे एक ना जो उस गांव की दीवार है, उसकी बाहर की तरफ एक बार एक रोल ऑफ ऑनर का उन्होंने बनाया था, क्योंकि पंजाब स्कूल बोर्ड ने बोला। तो मैं वहां से गुजर रही थी एक बार, शहीद करतार सिंह सराबा की बरसी चल रही थी उन दिनों में, तो मैं अपना स्कूल देख के वहां रुक गई। और मैं बता नहीं सकती, जब मैंने दीवार की तरफ देखा, फर्स्ट नंबर पे शहीद करतार सिंह सराबा का नाम लिखा हुआ था। और जब मैंने नीचे नजर, 10th 11th नंबर पे मेरा नाम लिखा हुआ था। क्या बात। मेरे को लगा कि ये तो जिंदगी का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है कि मैं उस गांव की हूँ। और जो बरसी मनाते हैं ना, जो जब मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती थी, तब से हम लोग चार चार दिन वहां रात तक वो जो प्लेज वगैरह हुआ करते थे वो सुनते थे जाके। आज जब आपने बात शुरू की ना, वैल्यूज से बात शुरू की, तो मेरे को ना वो मंजर याद आ रहा था और मेरे को अपने पिताजी याद आ रहे थे। और मैं आपको बताऊं अपने पिताजी की एक बात, कि जब मैं फर्स्ट क्लास में स्कूल में पढ़ती थी, मेरे फादर आर्मी में थे, वो छुट्टी आए हुए थे और रोज शाम को मेरे को साखियां सुनाया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि मैं स्कूल से आई, मेरे हाथ में एक ब्लेड था सर, तब शार्पनर नहीं होते थे जी जी। तो मेरे पिताजी ने मेरे से पूछा कि ये क्या है। आई फेल्ट टू हैप्पी एंड आई टोल्ड हिम कि ये मेरे को आज स्कूल में मिला है। ही सेड कहां से मिला है? मैंने कहा वहां एक आम का पेड़ है, उसके नीचे पड़ा था, ये नया ब्लेड है, मैंने उठा लिया तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। यू नो मेरे पिताजी कहते बैठ, ही टोल्ड मी बेटा ये ब्लेड तेरा नहीं, ये ब्लेड जीता होएगा ना वो लबदा फिरदा होना है। क्या बात। तू कल स्कूल जाएगी, उसी आम के पेड़ के नीचे इस ब्लेड को रख देना है, और जहां से उठाया था जिसका होगा वो ढूंढता वहां आएगा और इसको उठा लेगा। और बादल जी, अब जब भी मैं कोई चीज नीचे से उठाती हूं, मेरे को पहले झिझक आती है कि क्या मेरे पिताजी जे चाहते थे भी थे कि नहीं। बिल्कुल। तो आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, वो ऐसे वैल्यूज वाले थे, बेशक वो पढ़े लिखे थे या नहीं थे। सो मैं आपका इस चीज के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ
कि आपने मेरा भाई करतार सिंह सराभा मेरे को याद करवाया और मेरे पिताजी आज मेरे को याद करवाए। और मैं नैक के साथ क्वालिटी एजुकेशन का काम भी करती हूँ, कल भी मेरा एक परसों लेक्चर है क्वालिटी, इस पे भी काम कर रही हूँ साथ में। और क्वालिटी एजुकेशन मैं जो आपने आज बताया ना, क्वालिटी बन जाएगी अगर आपकी बात पे अमल करके हम अच्छे ह्यूमन बीइंग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में बिल्कुल उनको अच्छे ऑनेस्ट विद साइंटिफिक टेम्परामेंट ह्यूमन बीइंग डेवलप कर सकें। तो आपने क्वालिटी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो आज आपने सारी बात की है, और एक-एक वर्ड मैंने आपका सुना और मेरे दिमाग में छप गया। और जब आप मेरा लेक्चर होगा ना क्वालिटी पे, मैंने वो दो जी तीन क्राइटेरिया डिस्कस करने हैं, तो आपको कोट मैं वहां पे करूंगी। सो मेरे को शुक्रिया। लगता है भल्ला जी कहा तो बहुत कुछ जा सकता है। अभी आज की बात, इनकी बात आज ही इतनी देर सुनी है, इनके बहुत कुछ कहा जा सकता है। जो आपने ये बातें आज बताई है ना, महात्मा गांधी से शुरू करके आज तक, मेरे को लगता है भल्ला जी ये बात आप मोटे करके आज नोट कर लो कि जो बिल्कुल हमारी जो रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन है उसका जो नंबर 1 पॉइंट है ना, उसको ये नोट कर लो कि जो हमें आज बादल जी ने बिल्कुल बताया है। बिल्कुल तो सर बिल्कुल थैंक बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया आज आपसे बात करके। एंड थैंक्स टू भल्ला जी एंड हिज होल वेरी एक्टिव टीम, जो इतनी इतनी अच्छी शख्सियतों के साथ हमारा जो तालुक तारुफ करवाती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मैडम गरेवाल जी। मैं सबसे पहले इसके बाद हमारे साथ एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो हमारे पंजाब सरकार के कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं, श्री बलजिंदर ठाकुर जी जो पटियाला से हैं, उनसे मैं विनती करूंगा। उसके बाद मेरे साथ एक बहुत ही सीनियर सिटीजन नीलम धमीजा जी बैठी हुई है, मैं उनको देख रहा हूँ बड़ी देर से, तो मैं उनको भी कहूंगा कि वो 2 मिनट के लिए जरूर बोले इस समय। पहले बलजिंदर ठाकुर जी, जी, और बलजिंदर एक बीच में 1 मिनट मुझे भी दीजिएगा। जी 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 सर, पहले पहले बलजिंदर ठाकुर जी, हाँ उसके बाद जी आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ठीक है बलजिंदर जी, अनम्यूट कर लो। यस ओके, बिल्कुल आ रही आवाज आप। आ रही, बिल्कुल आ रही। सबसे पहले तो मैं आज प्रोफेसर अश्विनी भल्ला जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। उनके माध्यम से आज मेरे को प्रोफेसर राजेश बादल जी के विचार सुनने को मिले, और बाद में मैडम ने भी काफ़ी डिटेल में कुछ बातें कही हैं। तो आज के इस लेक्चर का मुझे लगता है कि मेन जो थीम है वो हम यही कह सकते हैं कि जो वैल्यू एजुकेशन है और जो क्वालिटी एजुकेशन है, तो हमें उस ओर जाना चाहिए। बादल साहब ने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दे के आज वैल्यू एजुकेशन की जो महत्ता है उसके बारे में हमें बताया है। तो मैं ये लिंक देखने के बाद जुड़ा तो मुझे लगता है कि मैंने जो समय लगाया यहाँ पे वो आज सार्थक हुआ। बहुत अच्छा लगा प्रोफेसर साहब भल्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, बादल साहब का भी और मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। मैं बादल साहब एक बात कहना चाहता हूं कि जो सीरीज शुरू की थी ना, एजुकेशन फॉर मीनिंगफुल लाइफ, आज 6ठी कड़ी में जी आपको सुनने के बाद वो उद्देश्य जो हम प्राप्त करना चाहते थे शायद वो सार्थक हो आपका धन्यवाद गया। अब आपके लिए, आप जी। लीजिए थोड़ा समय, उसके बाद नीलम धमीजा जी से। जी मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि मुझे बहुत, एक तो अंतरात्मा से खुशी है कि मैडम जो है शहीद करतार सिंह सरावा के गांव की हैं, कस्बे की हैं, और मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं इसलिए कि करतार सिंह हमारा भी हीरो रहा है, और जो हम बात समाज की कर रहे थे अभी कि आज शिक्षा पा करके कोई ग्रेजुएट होके, इंजीनियर होके, डॉक्टर होके विदेशों में तो जाकर के शिक्षा हासिल करता है और बड़ी जल्दी बदल जाता है, लेकिन करतार सिंह जो ऐसा किशोर था, जो 15-16 साल की भरी जवानी में जिसको फांसी लटका दिया जाता है, जो विदेशों में घूमता है और विदेशों पर उसको असर नहीं होता है, तभी तो हमारे क्रांतिकारी साथियों ने उसके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए क्या कहा था कि
फख्र है भारत को या करतार तू जाता है आज, जगत और पिंगले को भी साथ ले जाता है आज, हम तुम्हारे मिशन को पूरा करेंगे संगियो, कसम हर हिंदी तुम्हारे खून की खाता है आज। ये जो बात उन्होंने कही थी, और वो क्रांतिकारियों में जो जज्बा था, वो कौन सा समाज था, वो कौन सी शिक्षा प्रणाली थी जो उनके अंदर ये भावना भरती थी कि इश्क का नगमा जुनू के साज पे गाते हैं हम, अपने गम की आग से को पत्थर से पिघलाते हैं हम, और जाग उठते हैं तो सूली पर भी नींद आती नहीं, और वक्त आ जाए तो अंगारों पे सो जाते हैं हम। बहुत ये समाज बना था, लेकिन वही गुरुदत्त ने जो बात कही थी साहिर लुधियानवी साहब के शब्दों में कि हम गमजदा हैं लाए कहां से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। बहुत तो यही वो समाज है और यही वो शिक्षा है। बहुत शुक्रिया बादल साहब। मैं अब नीलम धमीजा जी जो हमारे साथ बैठी हुई हैं, हमारी सीनियर सिटीजन हैं, मैं बड़े गौर से ये सारा सुन रही थी, मैंने अनम्यूट कर दिया जी, आप बोलिए मैडम। शुक्रिया जी आपका, इतने सब लोग यहाँ आए हुए हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति सबका मैं बहुत बहुत देख रही हूँ, सबको बड़ा अच्छा लग रहा है। और हमारे जो मुख्य वक्ता हैं बादल जी, उनका सुन के मुझे अपने बचपन से याद आया कि हमारे स्कूलों में किस प्रकार जो है मॉरल एजुकेशन दी जाती थी, और ये कई कहानियाँ जो उन्होंने इतने महान व्यक्तियों की बताई वो सचमुच मुझे भी काफ़ी भूल चुकी हैं, तो आज की जनरेशन को तो पता ही नहीं है। जो अभी एक भाई साहब ने कहा कि हमारी वैल्यू एजुकेशन की कमी है, यही चीज़ मैं भी नोट करती हूँ कि हमारे घरों में भी वो संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। और जो आज सराभा जी के बारे में आपने बताया, हमारी जनरेशन को तो सराभा जी का मालूम है, लेकिन कितने लोगों को मालूम है, कितनी माओं को मालूम है जो अपने बच्चों को बता सके, उसका यही कारण है। जो हम सभी लोग हर हर फोरम में हम लोग यही देखते हैं कि यही सवाल उठता है, हमारी जनरेशन उठा रही है वैल्यू एजुकेशन। तो आप एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार हैं, तो आपसे मेरा अनुरोध होगा कि आप जिस तरह से आज इस वेबिनार के साथ हमें सबको इस बात के लिए जानकारी दी उस वक्त की, इससे तो अगर आप वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हमारी प्रेजेंट सरकार को आप बता सकें अपने राइटिंग्स के द्वारा, जिस तरह भी आप कर सके, तो उसके द्वारा अगर ये आ जाए कि हमारे बच्चों की एजुकेशन का फर्क आ रहा है। मैं मानती हूँ कि हमारे बहुत बाहर जा रहे हैं, आपने भी कहा बड़े संस्कारी, बड़े अच्छे बच्चे, लायक बच्चे, लेकिन वो लायक बच्चे पढ़ाई में ही लायक हैं, संस्कारों में कितने लायक हैं ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, चाहे हमारे घरों में हो, चाहे हमारे पड़ोस में हो। और आज इस वक्त मैं काउंसलर के रूप में स्कूलों में काम करती हूँ, जस्ट सोशल वर्क करती हूँ, तो उसमें मैं यही नोट कर रही हूँ, बच्चों को कुछ नहीं पता अपनी संस्कृति के बारे में। तो ये सब अगर हम आज की शिक्षा प्रणाली में नहीं ला सकते, तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाली जनरेशन वो सब चीज़ें ला सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया बात करने का। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जी। तो बादल साहब आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में, या भी मैं दो और मेरे मेहमान बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है मेहमानों की भी बात सुन लें, फिर बाद में मैं एक कमेंट टिप्पणी। ठीक है, सबसे पहले मैं विनती करूंगा डॉक्टर दलजीत कौर जो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स अमृतसर में बैठी हुई हैं, बहुत ही प्रबुद्ध अध्यापिका है और सीनियर अध्यापिका है हमारी, जल्द प्रिंसिपल भी बनने वाली है, तो मैं उनसे विनती करूंगा कि वो कुछ कहें इसके बारे में। जी मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर पला, गुड इवनिंग सरानो, डॉक्टर विकास दीप, डॉक्टर पला जी, श्री राजेश बादल जी, डॉक्टर महिंदर कौर, नीलम तामीजा जी, डॉक्टर जे के कोलाटी जी, सरानो रिस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू से के this was a very nice topic, and other it is not our topic, it is the requirement that we need to give a quality and the should matter and the values je to values di gal kariye te values da ta inna ki dekhan di gal hai ke jo sanu utto me शायद मैडम
खुद अपने एक कैरेक्टर के उत्ते खड़े होवांगे, असी रोल मॉडल हाउस, स्टूडेंट्स आर वॉचिंग अस, जे असी ठीक होवांगे तो अपने आप ही सोसाइटी ठीक हो जाएगी। जो स्टूडेंट देखता है कि मैनू किसी होर तरीके नाल मार्क्स मिल सकते हैं, मैं किसी होर तरीके नाल सक्सेसफुल हो सकता है, जेड़ा एवरीबडी वुड लाइक टू गो विद अ शॉर्टकट्स, तो वो फिर वो उसनों अपनाने लग पैंदा है। जे उन्हों लगता है कि भई मैं दो चीज़ा सोनिया सोनिया टीचर नू बोल के मैनू नंबर मिल जाएंगे तो मैनू मेहनत नहीं करनी पाएगी, तो फिर उधर नू चले जाएगा। फिर साड़ी एजुकेशन है, एक्चुअली एजुकेशन होंगी है कि जदों असी एक इंस्टीट्यूट नू छड़ के चले जाने हैं उस तो बाद सानू की याद रहिंदा। इट इज़ नॉट दैट करिकुलम, इट सिलेबस चाइल्ड हैज स्टडीड, इट इज़ वॉट ही हैज एक्चुअली लर्न आफ्टर दैट, वॉट ही कैन रिमेंबर वेन ही हैज लेफ्ट द इंस्टीट्यूट, वॉट इज हिज रिमेंबरेंस। आई रिमेंबर वन चाइल्ड, ही केम टू केम एंड ही सेज शी सेज के मैम मेरा अटेस्ट कर दो। आई सेड हु वाज टीचिंग यू, एंड शी कुड नॉट रिकॉल, एंड आफ्टर फ्यू शी सेज ओ मैडम जेडे 15 मिनट लेट आंदे सी क्लास विच, दैट मीन्स पूरी ओरी एजुकेशन विच वॉट शी कुड हैव लर्न के बई 15 मिनट लेट आना। सो दिस इज वॉट, जदों असी रोल मॉडल नहीं होवांगे तो फिर असी अगे किस तरह सिखा सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन जड़ी आ वो सोसाइटी लिए रिस्पॉन्सिबल तो टीचर ही है, चाहे नर्सरी स्कूल का है चाहे वो एक्चुअली यूनिवर्सिटी का है। सो वी हैव टू गिव देम ऑल दैट, एंड दिस इज वंडरफुल जो आज डिस्कशन हुई। आई रियली बिल्कुल बिल्कुल, थैंक एंड यू मैम, आई थैंक हैव नो यू। वर्ड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तनु आप ही रोल मॉडल बनना पड़ेगा। वी हैव टू बी रोल मॉडल, बिकॉज अनलेस एंड अंटिल टीचर्स बिकम द रोल मॉडल, यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। तो जैसे बादल जी ने कहा कि वी हैव टू बिकम द एग्जाम्पल ऑफ मुंशी प्रेमचंद जी। मैं एक और एग्जाम्पल आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी। शायद उनका एग्जाम्पल किसी एग्जाम्पल से कम नहीं है, बिकॉज उन्होंने एक बार एक फैमिली मेंबर ने उनकी गाड़ी को यूज कर लिया, सरकारी गाड़ी को, देन ही पेड फ्रॉम हिज ओन सैलरी टू दैट अमाउंट। सो सच काइंड ऑफ रोल मॉडल्स आर नेसेसरी। आज हम देखते हैं कि वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग, 100 गाड़ियां आगे हैं, 100 गाड़ियां पीछे हैं, विच इज नॉट नीडेड। क्या रोल मॉडल हम बन रहे हैं? वी आर बिकमिंग मिनिस्टर्स, वी आर बिकमिंग चेयरमैन, किस लिए बन रहे हैं? बिकॉज ऑफ टू एंजॉय द फैसिलिटीज। तो आई थिंक कि वी हैव टू चेंज अवर सेल्फ। हम सब लोगों को अपने आप को बदलना पड़ेगा। वी ऑलवेज ट्राइव टू ग्रैब द फैसिलिटीज, नाउ एवरीबॉडी इज ग्रैबिंग द फैसिलिटीज कि मैं वो बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, उससे मेरे को फैसिलिटीज मिल जाएं, मेरा परिवार खुश हो सके। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट अवर सोसाइटी, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट अवर नेशन। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन को ऐसा बनाना होगा, नहीं तो ज्ञान को हम अगली पीढ़ी तक क्या लेके जाएंगे? जो बोएंगे वही काटेंगे सर। सो मेरे साथ एक दो और मेहमान भी बैठे हुए हैं। मैं विनती करूंगा सबसे पहले जेके गुलाटी जी को, फिर एक और, उसके बाद बादल जी अपना रिमार्क देंगे। जेके गुलाटी जी, विद इन 1 मिनट सर, यू कैन अनम्यूट। यस सर, गुलाटी साहब इज हाँ जी, हाँ अ जी, प्रोफेसर इन द रीजनल सेंटर ऑफ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जलंधर। एम आई ऑडिबल यस सर। सर? यू हैव अलॉटेड मी 1 मिनट, और इन विद इन 1 मिनट आई एम जस्ट गोइंग टू बी समिंग अप माई 1 to 2 आवर सेशंस विद आई नॉर्मली टेक वेयर एवर आई गो ऑन दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स। आई एम रेजिंग दिस फिंगर सर, डॉक्टर साहब, आई एम पॉइंटिंग आउट दिस फिंगर जी, एंड रेस्ट ऑफ द फिंगर्स आर towards me. but you So at end of the day, what matters? Self introspection, self absolutely analysis, self control, self discipline. बादल साहब ने बहुत wonderful session दे रहे ने, बहुत नैतिकता दी गल्ला कर रहे ने, but he is talking of an era gone by, which unfortunately cannot be re-established.
but efforts can be made by all the stakeholders in this direction. Rajesh ji, mind mat karna, I am also a teacher. I also interact with the young generation. What I can read in their minds, they seem to be people in hurry. Sometime I feel that this kind of a 2G, 3G, 4G, 5G kind of a system we talk of, it is giving us speed. But yes. Speed at what cost? Are we staying back? Are we doing this introspection? Are we having patience? Are we people with compassion and empathy? This is all life skills. We are talking of going and joining the lead camp by becoming the front runner nation. So kind of a challenges we are faced with, and our direction is in that. But we are losing our character, our basic thing, honesty, which you have quoted Prem Chand ji in his story. And you are also quoting very many people like Shastri ji di gal kiti hune Palla sahab, that when he used to travel by the office car, he used to take it as an exception. Or you shared with a story that when he was using his 6 hours in writing a novel, but one day his colleague, his officer said that you are morally corrupt, then he switched over to his own means. So gone is that era. We are living in 21st century, which century belongs to the young generation. It is scientifically tempered. It is honest to some extent, but as a stakeholder like elder and teachers, we have to lead by example. This much I would say. I think very many things you can say. So sensitivity to myself, to my family, to the nature, and to the society, it is must. And that value system in the education should be there. Otherwise, the world would be suffering the same turmoil which is now it is faced. And day will not come when it is going to be degraded in the coming days. Mark my word, world is going to be degrading until and unless we pull up our socks and take up a challenge head on. So this is my suggestion. Very many things can be dwelt upon. Teachers are there, administrators are there. Now PCMA is doing its own bit. Us din ek chidi di example bhi badi soni discuss hui si. Ke chidi nu kisi ne kya bhi tu ki kar lengi. Then Sparrow said, whatever in my chonch, jo bhi pani ka drop main lekar jaungi, I am adding to the positivity. So sir, that way the things are going to be there. Everybody will have to contribute. अभी मैडम दलजीत कौर ने भी यही बात रखी है, आपने भी इतनी अच्छी अच्छी बातें की है, तो मेरा तो यही लगता है कि सभी को अपना योगदान देना पड़ेगा। और सबसे पहले फिर मैं उधर आता हूँ, मैंने एक उंगल पॉइंट आउट की, बाकी उंगलियाँ मेरी तरफ हैं, मेरे को ये देखना पड़ेगा। आई विल हैव टू सी माई सेल्फ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। थिंक बिफोर यू स्पीक, अपना गिरेबान झांको। तो दिस मच आई कैन से। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर भल्ला। थैंक यू डॉक्टर साहब। सो आपने बहुत बड़ी एग्जाम्पल दी कि वो चिड़िया वाली की कहीं आग लगी हुई थी तो एक चिड़िया एक ड्रॉप तालाब में से भर कर जाती थी, वो आग के ऊपर डाल के आ जाती थी, तो कौवे ने पूछा ये तुम क्या कर रही? उसने कहा कि मैं आग बुझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि तेरी तिनके सी जो पानी डालने से तो आग नहीं बुझ जाएगी। उसने कहा कि नहीं, मैं भी जानती हूँ कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन भविष्य में जब इस आग के बुझाने का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा। सो दिस वाज द मैसेज फ्रॉम दैट स्टोरी। सो आई थिंक वी शुड ऑल कंट्रीब्यूट इवन अ स्मॉल बिट, दैट इज गोइंग टू, वो आग बुझाएगी, कोशिश हम करें। सो डेफिनेटली किसी और की तरफ उंगली ना करें, वी हैव टू करेक्ट अवर सेल्फ्स, और वी एट पंजाब कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन आर ट्राइंग टू करेक्ट अवर सेल्फ। इफ वी हैव इनवाइटेड राजेश बादल जी हियर टू करेक्ट अवर सेल्फ, सो हमें वो बताएं हमारी गलतियां क्या है। उन्होंने बताया कि हम मुंशी प्रेमचंद जी को भूल गए, हम करतार सिंह सराभा को भूल गए। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि भगत सिंह का दिन मनाया जाए, लेकिन कोई भगत सिंह बनना नहीं चाहता। ये चाहता है कि भगत सिंह मेरे घर में पैदा ना हो, पड़ोसी के घर में पैदा हो, वो आके इनिशिएटिव ले मेरे लिए। सो ये सब बातें हैं जिसने हमारे समाज को तोड़ के रख दिया है। दिस इज नॉट ए सर्वाइवल, दिस इज नॉट ए फाइट ऑफ सर्वाइवल। हम तो हो चुके हैं, टूट चुके हैं, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, बट फ्रॉम स्क्रैच अगेन, शुरू से फिर दोबारा हमें सोचना होगा। सो नाउ आई रिक्वेस्ट
to conclude this and then we will present the vote of thanks. धन्यवाद डॉक्टर भल्ला, आपने जिस तरीके से अब तक के सारे हमारे साथियों की बातों को रखा है उससे मुझे ऐसा लगता है कि सचमुच में आज हम लोगों ने कोई ना कोई एक सार्थक दिशा में कुछ चर्चा की है। और जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि आज का जो दौर है वो आज से 100 साल पुराने का हिंदुस्तान नहीं है, आज से 50 साल पहले का हिंदुस्तान नहीं है, आज से 25 वर्ष पहले का हिंदुस्तान नहीं है। आज का नौजवान, आज का हिंदुस्तान एकदम बदला हुआ है। और हम ये भी जानते हैं कि हम अपने कॉलेज के जमाने में जितने अक्लमंद होते थे, हमारी आज की नई पीढ़ी उससे कई गुना ज्यादा जानती है। उसके सामने उसकी जो सूचनाएं हैं, सूचनाओं का आकाश संसार बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। लेकिन जो कौम, जो लोग अपने पूर्वजों को और पुरखों को याद नहीं रखते, उनका भी इतिहास के कूड़ेदान में जगह होती है, उस कौम के लिए भी खतरे की घंटी है। तो मैं, जैसे आपने अभी बात कही थी कि हम अपने घर से ठीक करें, जो बात कही थी कि उंगली एक सामने है लेकिन बाकी उंगलियां हमारी तरफ से हैं, हमें अपने घर से इस बात को ठीक करना पड़ेगा। संकल्प तो लीजिए, एक बार कोशिश तो कीजिए, लेकिन अगर हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा पड़ोसी सुधर जाए, हम तो जैसे कर रहे हैं वैसा करते रहें, तो शायद इससे बात नहीं बनेगी। एक मुल्क को बनाने में बहुत वक्त लगता है और मुल्क को बनाने में हर हिंदुस्तान के हर वासी का, हर निवासी का, हर भारतवासी का योगदान है। इसको हमें नहीं भूलना है। हम, मुझे लगता है कि अगर अपनी नई आने वाली पीढ़ियों को ये बात समझा पाए तो निश्चित रूप से आने वाले दिन अच्छे होंगे, क्योंकि ये पीढ़ी हमसे ज्यादा जानती है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बादल जी।